नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल आज 13 अगस्त को जैसा कि हो रहा है। तो दोस्तों, आज आपके लिए हमने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और एक और यहाँ पर दूसरा वीडियो आपके लिए आज की फिजिकल रिपोर्ट का। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए है कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों, इतने विद्यार्थी पास हो रहे हैं कि आपकी ये फाइनल कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप रेस क्लियर कर देते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, आपका सिलेक्शन हो गया समझो। चलिए, आज की फिजिकल की रिपोर्ट पूरी आपको दिखाते हैं और वहां की कुछ फोटोज भी आपको लाइव दिखाएंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, इस प्रकार से आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री मिलने के बाद में बैठाया जाता है और आपको फॉर्म दिए जाते हैं, आपको उन फॉर्म को भरना होता है। अब दोस्तों देखिए कुछ और जानकारी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि क्या रेस में चिप लगा रहे हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, रेस में चिप नहीं लगाई जा रही है। एक आप ये देखिए दोस्तों, रेस के टाइम पर कैमरा भी साथ रहता है, कैमरामैन आपकी पूरी रेस की रिकॉर्डिंग करता है, ये आपके लिए नई जानकारी है। और दोस्तों, टाइम बताने वाले भी आपके साथ साथ रहेंगे, यानी आपको टाइम भी बताते रहेंगे बीच बीच में, कितना टाइम हो गया है और इतनी दौड़ हो गई है, फटाफट से करो, जल्दी करो, पूरी जानकारी आपको बीच में वो देते रहेंगे। और दोस्तों, चिप नहीं लगी हुई है, आप जिस रोड पर दौड़ेंगे वो बिल्कुल पक्की रोड होगी, बिल्कुल आप जिस प्रकार सोचते हैं बिल्कुल मिट्टी होगी कच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पक्की रोड आपकी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपका ग्राउंड हो, ग्राउंड के चारों ओर में रोड बनी होगी और उस रोड के ऊपर ही आपको चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि सीधी 5 किलोमीटर की रोड तो होना थोड़ा असंभव ही है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है सुरक्षा बलों को। अब दोस्तों देखिए कुछ और जानकारी। यहां पर दोस्तों, शुरुआत में आपको 2 फॉर्म दिए जाते हैं, उनके ऊपर फोटो चिपकाकर भरकर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं। और दोस्तों, यहां पर देखिए विद्यार्थी ने मैसेज में कहा है कि यहां जवान कह रहे हैं कि अगर आप रेस में निकल गई तो हाइट और वेट टेस्ट में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। एक विद्यार्थी है जिन्होंने हमें जानकारी दी है, इन्होंने कहा हो गया 100 विद्यार्थियों का बैच था, पूरा समय दे रहे हैं 24 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने पूछा कितने पास हुए, तो इस विद्यार्थी ने कहा कि 100 में से 55 या 60 पास हो रहे हैं मेरे बैच में। फिर मैंने पूछा चिप लगा रहे हैं क्या, उन्होंने कहा नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, लगभग 50% विद्यार्थी दौड़ में पास हो रहे हैं। और दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यहां पर दोस्तों रेस में आपके लगभग 20-30% विद्यार्थी तो अब्सेंट हो रहे हैं, यानी वो रेस करने जा ही नहीं रहे हैं। तो 120 विद्यार्थियों का ऑफिशियल बैच है, लेकिन किसी बैच में 80 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, किसी में 70 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, किसी में 100 विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी अब्सेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ और जानकारी देता हूं। यहां पर विद्यार्थी ने कहा अगर 5 सेकंड भी और मिल जाते तो मेरी रेस पूरी हो जाती, लेकिन बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं दिया। और दोस्तों यहां पर देखें, अब आपको कुछ और जरूरी जानकारी। ये देखिए कि विद्यार्थी सबने पूछा था, इन्होंने एक फोटो शेयर की और फिर नीचे लिखा फर्स्ट राउंड में 70 में से 46 पास हुए। जी हां दोस्तों, 70 में से 46। अब आप सोचिए, 120 में से 70 विद्यार्थियों ने ही दौड़ लगाई और उन 70 में से भी 46 ही पास हुए, यानी कि दोस्तों काफी कम विद्यार्थी पास हो रहे हैं। सेकंड राउंड की बात करें तो 70 में से 54 विद्यार्थी पास हुए, ये इस विद्यार्थी ने कहा है। और लास्ट राउंड में 80 में से 39 विद्यार्थी पास हुए। तो दोस्तों ये देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो ऐसे समझो सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि दोस्तों ये जो विद्यार्थी हैं इनमें से कुछ विद्यार्थी हाइट और चेस्ट में निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो आपकी हाइट बहुत ज्यादा ही कम है 1-2 सेंटीमीटर, तो फिर आपकी हाइट नहीं चलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें दोस्तों यहां पर देखिए, जिनका फिजिकल क्लियर है उनके लिए खुशियां मनाने वाली बात है, आप बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत कम विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लगभग ऐसे मानो जो 5.5 लाख विद्यार्थियों का फिजिकल है उनमें से 20-25%, यानी कि आपके 1.5 लाख तो अब्सेंट हो जाएंगे, बचे हुए 4 लाख की अगर बात करें तो 4 लाख में से लगभग 45-40% विद्यार्थी पूरे रेस को पार कर पाएंगे, यानी कि ऐसे मानो लगभग 1.5 लाख या 1,70,000 के आसपास विद्यार्थी आपका फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है आज की। उम्मीद करते हैं अब रेस से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में नहीं होगा, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछो, आपकी उस बात के लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी खुशखबरी, आगे भी एसएससीडी फिजिकल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, लाइव अपडेट आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे वाले आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि एसएससीडी फिजिकल के आगे भी इसी प्रकार की हर रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि फिजिकल में 300 लोगों को भगाया जाए।
जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।